कर रहे हैं उनका एक ट्रैक है. तो ये पूरी मल्हार जो है ये बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे बनाई हुई फिल्म है. बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे ये बात करती है और बहुत प्यार से बात करती है. तो केसर एक बहुत ही एम्पावर्ड वुमेन कह सकते हैं उसे, जो एक गांव में रहती है मगर बहुत ही एम्पावर्ड है और बहुत ही एम्पावर्ड डिसीजन वो अपने लिए और अपने शादी के लिए वो लेती है. तो ऐसी केसर है. आपके किरदार की बात की जाए तो काफी बोल्ड किरदार है, जो आज की महिलाएं सोच नहीं सकती आपने उस तरह का किरदार निभाया, पर लोगों का जो नजरिया है महिला के प्रति वो भी बदलता जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, आई थिंक महिलाएं बहुत पहले से ही बोल्ड डिसीजंस लेती हैं, हम उन्हें बताते नहीं है उस तरह से. तो महिलाओं में वो ताकत भी है उतने बोल्ड डिसीजंस लेने की. और केसर बस एक उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, उनकी कहानी आप तक लेके आती है. बट मुझे लगता है कि मेरी दादी परदादी ये भी लोग जो थे वो बहुत ही बोल्ड रहे थे. केसर बस एक उनका रिप्रेजेंटेशन है. शरीफ जी, आप अपने किरदार के बारे में बताएंगे, आपने उम्दा एक से बढ़कर एक किरदार किए, हर किरदार में जान होती है. मतलब आपको बचपन से कहीं ना कहीं स्टेज पे स्कूल के दिनों में देखते आ रहा हूं मैं. ये जर्नी कैसे रही आपकी? थैंक यू सो मच मेरे भाई. थैंक यू सो मच. मैं तो जर्नी तो काफी उतार चढ़ाव, मतलब एक एसएल वर्ल्ड के रोलर कोस्टर राइड की तरह थी, जो जिसमें मैंने ज्यादा उतार देखे थे पहले, अब जाके थोड़ा थोड़ा चढ़ान आ रही है. और भगवान करे कि वो सर पे हाथ ऐसी बना रहे ऊपर वाले का. तो आई एम वेरी हैप्पी वॉट एवर प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग राइट नाउ एंड द काइंड ऑफ रोल्स आई एम बीइंग ऑफर्ड. तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मल्हार जैसी एक प्यारी सी खूबसूरत फिल्म का हिस्सा हूँ. भले बड़ा रोल नहीं है मेरा, लेकिन बहुत जितने भी सीन्स हैं बड़े मज़ेदार हैं. और मैं बहुत विशाल के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. अंजलि के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है और अंजलि के साथ हमेशा मतलब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई होप कि हम और काम करें इंशाल्लाह. सर, मेरे साथ भी कर लो थोड़ा सा. नो मैं तो यही कहूंगा, स्क्रिप्ट सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था मेरे लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया लिखी हुई स्क्रिप्ट. हम लोग इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं ना, जिसमें से कई बार आधे में हम सो जाते हैं और अगर नरेशन हो रहा है फिर तो, और फिल्म की स्क्रिप्ट बुरी है तो भगवान ही बचाए, भाग भी नहीं सकते नरेशन से. भाग भी नहीं सकते, पढ़ने के वक्त आदमी फिर भी वो कर लेता है. तो ऐसे में जब आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो वो एक इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. और ऐसी एक खूबसूरत स्क्रिप्ट विशाल ने लिखी है मल्हार की, बहुत काफ़ी मुद्दों को टच करती है बिना कहीं प्रीची हुए. और बच्चों से इन्होंने इतना बढ़िया काम करवाया है, मतलब बहुत बहुत अच्छी मेरा लिए डिसाइड कर, जो आप कह रहे हैं मेरे लिए वो स्क्रिप्ट था डिसाइडिंग फैक्टर. और मैंने इनकी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी तो इनके ऊपर भी भरोसा आ गया था. और फिर अंजलि है, इन्होंने मुझे बताया तो फिर गेम ओवर हो गया. इनका एक जवाब हो जाए. जैसे कि ये चार अलग अलग स्टोरीज हैं, तीन चार अलग अलग स्टोरीज हैं और चारों बहुत अच्छे से राइटिंग लिखी हुई है, बहुत अच्छे से लिखी है और काफ़ी अच्छा लोगों ने परफॉर्म किया है इस फिल्म में ना, और इन भाई ने भी बहुत अच्छा किया. तो मैं इतना कहूँगा कि राइटिंग बहुत अच्छी है फिल्म की, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और देखने लायक फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है. सर, एक सवाल आप सभी से, मैं काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा पोस्टर देख रहा हूँ मूवी का, क्योंकि अभी पोस्टर देखो तो गन बंदूक बारूद ये सब देखने लगता है या फिर
बम ब्लास्ट के सीन, गाड़ियों के एक्सीडेंट का सीन, कपड़े भी वेस्टर्न टाइप देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसा पोर्शन मुझे दिख रहा है जिसमें सब कुछ ट्रेडिशनल है, पहनावा वगैरह ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग और इन वगैरह दिख रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रयोग किया गया मूवी में वो क्या आपके विचार क्या है इस बारे में, लोग रिलेट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। पंचायत इतना बड़ा हिट क्यों है, उसमें तो मतलब वो एकदम हार्टलैंड को फोकस करता है और लोगों ने उसे इतना सराहा है। मेरे ख्याल से तो उल्टा कहानियां जब अपने रूट से जुड़ी होती है ना तो लोग उसे और ज़्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट वो इंटरनेशनल हो जाती हैं फिर। तो मेरे हिसाब से तो वो हमारा प्लस पॉइंट है और आई होप कि ऑडियंस भी उसे नज़र से देखेगी और एक फ्रेशनेस, जैसे आपने कहा कि इतनी सारी गोला बारूद और बंदूक वाली चीज़ें हैं तो उनके लिए भी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगी मल्हार। सारी सर ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई भी फिल्म आती है बॉलीवुड में उसकी प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, तो इस फिल्म का किस तरह से प्रमोशन आप सभी करते हैं आर्टिस्ट की लोगों तक ये फिल्म पहुँचे, क्योंकि जब भी एक कहते हैं छोटे बजट की फिल्म आए तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक नहीं पहुँचती जो एक्चुअल में ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। ये इसका मतलब जवाब जो है वो तो प्रोड्यूसर साहब बेहतर दे पाएंगे, हम तो उनके साथ में अवेलेबल हैं, वो जहाँ बोलेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ये हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने द फिल्म इज़ रिलीजिंग, मतलब 100 से ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है हिंदी में और 50 थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है मराठी में, सो इट्स अ ह्यूज रिस्क दैट ही हैज़ टेकन। ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है और उनका विश्वास भी इस फिल्म पे दिखता है, विशाल के काम पे दिखता है। और ये फिल्म बहुत ही उम्दा बनी हुई है, इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत बना के इस फिल्म को बनाया हुआ है, तो जैसे कि ये कह रहा है कि रूट से जुड़ी हुई कहानी है, एक फील गुड फिल्म है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत सारे समाज के बहुत सारी जो क्या कहते हैं मुद्दे हैं उन पर बात करती है, तो इट्स ऑल एंड ऑल ये एक पैकेज फिल्म हम कह सकते हैं इसको। जो डायरेक्टर कुछ बताना चाहेंगे अहम मुद्दे पे, बेसिकली ये फिल्म रिलेशन आई विशाल इतने इतने बेसिकली ये स्टोरी का मेन है कि रिलेशंस, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप जो हमें अपने डेली के लाइफ में आनी चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए मोस्टली, और इसका बेस ही वही है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप में और प्यार में क्या होना चाहिए ये मुद्दे इसमें हैं। अच्छा वैशाली, इस जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई, चार पैरेलल कहानियाँ फिल्म में चलती हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से? बेसिकली ये जो स्टोरी है ये दो छोटे बच्चों के ऊपर थी और साइमल्टेनियसली एक गांव में ये स्टोरी बन रही थी, तो उसमें रिलेशंस बॉन्ड कैसे बनते जाते हैं और जो इमोशंस और लव कैसा होना चाहिए उसका ट्रैवल थोड़ा सा इसमें मैंने ये किया है। इस फिल्म की यूएसपी आपको क्या लगती है, लोग क्यों देखना पसंद करें, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपको लगता है? आज जहाँ पर ग्लैमर लुक लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लार्ज एंड टच लाइफ फिल्म देखना पड़ता है, मजा आती है, तो ऐसे में गांव पर आधारित एक गांव की फिल्म है, कैसे लोग रिलेट करें, क्यों देखना चाहेंगे? ये फिल्म का सेलिंग पॉइंट और देखना का मतलब कमर्शियली ऑडियंस देखेगी तो इसकी सिंप्लिसिटी बहुत है और रूट से मिट्टी वाली फिल्म है, जो रूट से गांव की फिल्म बनी हुई है, इसलिए ये देखी जाएगी। इस फिल्म को देख के लगता है कि खासकर अवार्ड्स के लिए बनाई गई है, yes. क्या इस तरह की कहीं ना कहीं पीछे कल्पना थी आपके दिमाग में? यस, ये मतलब फेस्टिवल और कमर्शियली भी सब एज ग्रुप के लोग ये फिल्म देख पाएंगे, छोटे बच्चे से लेके सब एज ग्रुप के, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि सब लोग ये फिल्म देख के एंगेज हुए। फिल्म में म्यूजिक को कितना स्कोप है? मतलब पूरी फिल्म म्यूजिक से भरी हुई है, मतलब एक अलग लेवल म्यूजिक अचीव कर रहा है ये फिल्म के लिए। विशाल सर आपसे जानना चाहूँगी, जब ये फिल्म आती है तो सबसे बड़ी उसके स्टोरी से पहले एक राइटर की कहानी आती है, तो एज अ राइटर एक साथ एक फिल्म में चार कहानी दिखाना कितना चैलेंजिंग होना, एज अ डायरेक्टर एक फिल्म में कास्ट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एक ही स्टोरी नहीं थी, इसमें साइमल्टेनियसली तीन स्टोरी है और सबके कैरेक्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे, तो सबके कैरेक्टर्स और स्टोरी को बैलेंस करना बहुत हार्ड वर्क था, बट उसको प्रॉपर स्क्रीन प्ले और स्टोरी नरेट होने के बाद और छोटे छोटे मतलब कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा किसी को ज़्यादा इफोर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, उसका फ्लो
फिल्म का एक अच्छा बनते गया। शूटिंग लोकेशन पर कहाँ कहाँ कैसे दिखाएंगे? ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, जो कच्छ एरिया है, वाइट डेजर्ट है वहाँ का, ये जहाँ पे मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी और इतना कमर्शियली नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जितने इमोशंस सिटीज़ में मिलते नहीं उतने ज़्यादा इमोशंस वहाँ पे वो वाले गांव में। शरीफ जी, जब भी कभी आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो फिल्म को साइन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं? किरदार कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरह के शेड होने चाहिए जिसको आप करना पसंद करते हैं? मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मेरे लिए जो किरदार है मेरा वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी लेंथ मेरे लिए मायने नहीं रखती है कि वो हर फ्रेम में नज़र आए और सिर्फ कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमे। ऐसी कोई मतलब लालसा नहीं है अंदर, मतलब ऑफ कोर्स जब मिलता है तो वो उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन कहानी में जो किरदार है वो बहुत, अगर उसका इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए, अगर वो निकल गया तो फिर कुछ एक लिंक टूट गया। वो अगर है और मुझे उसमें करने के लिए क्या मिल रहा है, किन लोगों के साथ में मैं वो फिल्म कर रहा हूँ, डायरेक्टर कौन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है, बाकी के कास्ट कौन है, क्योंकि टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक अच्छा खासा वक्त साथ में बिताते हैं जब एक फिल्म करते हैं, तो अगर आप जब हम मिल रहे हैं अगर तार ना मिले तो फिर वो शूट पे भी फिर गड़बड़ हो जाती है, तो इस वजह से वो एक बेसिक एक वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर के साथ खासकर। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर उसके अलावा पहले भी थोड़े देख लेता हूँ। तो जैसा शाहरुख सर ने कहा कि भाई मतलब जब फिल्म जब सुनाई गई तो पेपर पे इट वाज एन अमेजिंग फिल्म, सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके बाद मुझे पता लगा कि उसमें आई एम पेड अगेंस्ट अपोजिट अंजलि, तो बस हो गया, बात खत्म मेरे लिए। ऑनेस्टली बताऊँ वहाँ पर फिल्म खत्म थी, मैंने कहा मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। मुझे तो बाद में पता लगा कि विशाल ने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो उसने मुझे बाद में दिखाई, और उसके बाद उसको देख के मुझे और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, दैट इज़ ट्रू। पर ऑनेस्टली स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट और मुझे पता लगा था कि अंजलि करने वाली, शाहरुख सर का तो बाद में पता लगा, मुझे पता भी नहीं था, शूट पे मिले तो शूट पे मिले। So, suddenly he fell in love with me. उल्टा हो गया, हिसाब चेंज हो गया, आए थे अंजलि के लिए, मेरे प्यार में बढ़ गए। Hi, hello everyone. So this apparently is my first film. तो मैंने खुद को बड़े स्क्रीन पर first time देखा, तो definitely this was an overwhelming experience. But I don't think I could have asked for anything better. बिकॉज एज आई सेड, टीम को भी फिल्म देखने के बाद मेरा यही एक मैसेज था कि इट इज़ ऑल अबाउट एलिवेटिंग ईच अदर्स गेम। कोई एक आदमी अच्छा करे बाकी तो इट वॉज ऑल लाइक ऑल द स्ट्रिंग्स कमिंग टुगेदर टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल मेलेडी, एंड दिस इज वॉट आई फील अबाउट एवरीबडी एल्सिस परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट एक्टर्स बट ऑल दोज पीपल वर्कड रियली रियली हार्ड बिहाइंड द कैमरा। सो कुडोज टू द एंटायर टीम, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल 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 कोलैबोरेशन। हमारे फिल्म के एक्चुअल स्टार्स ये हैं। श्रीनिवास, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके किरदार को बहुत ही खूबी बखूबी से दिखाया गया, आप शायद सुन नहीं पाते थे बराबर, वो जो एक सीन है जहाँ पे हीरोइन है उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ आप आते हैं, उस इमोशन के बारे में कुछ बताएंगे, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिली, वो कैसे रहा और आपका किरदार उसके बारे में? मतलब आपने जो सीन बोला एंड का, तो पहली बात बताओ तो इसने मुझे सिखाया कि रोना कैसे। क्योंकि इसने बताया मुझे रोना कैसे, और मतलब ऐसे नहीं कि इसके तरफ से, बहुत सारे एक्टर है उनके तरफ से मुझे गाइडेंस मिला, और आपने देखा होगा कि भैरव है, तो उसका मतलब